फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवम पुरी है और आज मैं अपनी एक वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ जो कि रिटेल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है, जिसमें हम एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक को हम कवर करेंगे। तो उस 10th क्लास का जो फर्स्ट यूनिट जो है उसका नाम है डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। तो उस डिलीवरी ऑफ गुड्स के अंदर हमारे चार सेशन रहते हैं। तो पहला सेशन जो है वो है डिलीवरी प्रोसीजर, सेकेंड सेशन जो है वो है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड सेशन हमारा है लोडिंग एंड अनलोडिंग, एंड फोर्थ सेशन हमारा है फॉलो डिलीवरी प्रोसेस। तो हम स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट सेशन जो है डिलीवरी प्रोसीजर। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को उसमें कवर करेंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको डिलीवरी प्रोसेस जो है सेशन हमारा फर्स्ट है, तो अधिवेशन नंबर एक जो है वो है वितरण प्रक्रिया, ठीक है। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को आपके सामने आपको व्यू करवाएंगे ताकि आपको जो नोट्स बनाने हैं तो आपको कोई दिक्कत ना आए कि वो इंग्लिश में है या हिंदी में। ये दोनों ही लैंग्वेज में लिखा है, आपको जिस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं आप लोग अपनी कॉपी पर उसको लिख सकते हैं, लेकिन पहले आप इसको समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट हम करते हैं कि सबसे पहला जो हमारा प्रश्न आता है इसके अंदर वो ये आता है कि मीनिंग ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी का मतलब है क्या। द एक्शन ऑफ डिलीवरिंग द लेटर्स पार्सल और गुड्स इज कॉल्ड डिलीवरी, ठीक है। लेटर पार्सल या गुड्स को पहुंचाने की क्रिया को डिलीवरी या हम बोलेंगे वितरण कहा जाता है, ठीक है। तो लेटर आपको पता है लेटर कैसी होती है, ठीक है, और साथ में बात हमने की पार्सल की। तो ये बॉक्स जो है ये पार्सल है और इस पार्सल के अंदर आपके गुड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये लेटर और पार्सल क्लियर है, लेकिन लेटर जो होती है, चिट्ठी जो होती है, उसको लेके आता कौन है, ये देखिए पोस्टमैन आ गया चिट्ठी लेके। और हमने पार्सल की बात की, गुड्स की बात की, उसको डिलीवर कौन करता है, ये देखिए स्कूटर में उड़ता उड़ता आ गया आपका डिलीवरी बॉय एक बॉक्स को लेके, ठीक है। तो बात हम करते हैं विद अवर सेकेंड क्वेश्चन जो कि इस यूनिट का जो मेन जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज रिटेल डिलीवरी प्रोसीजर, खुदरा वितरण प्रक्रिया क्या है। तो डिलीवरी प्रोसीजर आपको बता चुका हूँ मतलब वितरण प्रक्रिया को ही बोलते हैं, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो अब हम बात करते हैं इसका आंसर हम किस तरीके से लिखने की शुरू करेंगे। तो हम करते हैं डिलीवरी प्रोसीजर विच इज़ टू बी अडॉप्टेड बाय देयर रिटेलर इज एज फॉलोज, मतलब जो भी रिटेलर जो है खुदरा विक्रेता जो है वो उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, तो ताकि रिटेल डिलीवरी प्रोसीजर हो सके। तो सबसे पहले हम किस चीज़ का रिटेलर ध्यान रखेगा, सबसे पहले रिटेलर के पास कौन आए, कस्टमर ऑर्डर देगा, उसको पहले वो ऑर्डर देगा मोबाइल पे ऑर्डर देगा या फिर उसको ऑर्डर कैसे देगा वो ऑनलाइन कंप्यूटर में बैठ के, ठीक है, इन दो तरीके से ऑर्डर देगा वो। और ऑर्डर देने के बाद क्या होगा, आप सो खरीद लोगे, आफ्टर द प्रोडक्ट इज परचेज द ऑर्डर इज सेंड टू द वेयर हाउस टू बी शिफ्ट, उत्पाद खरीदे जाने के बाद ऑर्डर को भेजने के लिए गोदाम में भेजा जाता है। तो यहाँ पर शिफ्ट को मैंने एक हाईलाइट किया और एक मैंने वेयर हाउस को हाईलाइट किया, तो इन दोनों का मतलब हम समझेंगे कि जो प्रोडक्ट जो है परचेज करने के बाद क्या हो रहा है कि उसको वेयर हाउस भेजा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इस पे फोटो पे कि जो व्यक्ति हैं वो पार्सल को लेके ट्रक में चढ़ा रहे हैं ताकि उसको वो कहाँ पहुँचा सकें, उसको वो बिल्कुल सही वेयर हाउस में पहुँचा सकें। अब आप देख सकते हैं वेयर हाउस कितना बड़ा है, कितना सारा सामान पड़ा है, फॉर्कलिफ्टर है वहाँ पर, पैलेट्स में, रैक्स में वहाँ पर सामान को रखा गया है, ये होता है गोदाम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अमेज़ॉन का वेयर हाउस की एक फ़ोटो जो हमको मिली है ऑनलाइन, तो उसको हम मैंने आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की कि देखिए वहाँ पर कैसे पार्सल्स को वेयर हाउस में कैसे उसको स्टोर कर रहे हैं या उसको हम शिपिंग करने के लिए जाएंगे। तो इस फोटो के माध्यम से आप ध्यान से देखिए, सबसे नीचे देखेंगे, पहले हम ऊपर नहीं, सबसे नीचे देखेंगे कि ये अंदर की स्टोर का एक व्यू है कि फॉर्क लिफ्टर है वहाँ पर, दो व्यक्ति खड़े हैं और वो बात कर रहे हैं कि हमने इस सामान को हमने शिप करवाना है, ठीक है, इसको हमने अब वेयर हाउस से शिप करवाना है। तो आप ऊपर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कि वहाँ पर वेयर हाउस की फोटो है। अब एक व्यक्ति जो है एम्प्लॉई बाहर खड़ा हो गया, वो ट्रक में सामान पहुँचा रहा है। अब ट्रक में सामान पहुँचा रहा है, ये ट्रक आगे कस्टमर तक सामान पहुँचाएंगे। अब वो कैसे पहुँचाएंगे वो ध्यान दीजिए, देखिए द ऑर्डर इज डिलीवर्ड बाय एन इंडिपेंडेंट कुरियर कंपनी और बाय फर्म्स थ्रू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ऑर्डर एक स्वतंत्र कुरियर कंपनी या फर्मों द्वारा परिवहन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो कुरियर कंपनी कौन सी होती है, अमेजोन और फेट एक्स एक्सप्रेस। अमेजोन एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट भी है और इसकी अपनी पर्सनल कुरियर सर्विस भी है। और कुरियर सर्विस क्या है, ब्लू डार्ट है, गेटी है,
भारत डाक भी कोरियर पहुंचाती है, आपको पता है ना इंडियन पोस्टल के बारे में, DTDC है और साथ में आपका ट्रैकॉन कंपनी भी है। ये सब जितनी भी कंपनी है कोरियर सर्विसेज हैं, कोरियर कंपनीज हैं जो सामान को पहुंचाएंगी, वेयर हाउस के बाद आपको डिलीवरी सर्विस देंगी वो, ठीक है। अब आपने ये लोगो देखा, ये गाड़ी किसकी है, कौन सी कोरियर सर्विस की है, कोई बता सकता है? अगर नहीं पता तो हम जरा प्रीवियस स्लाइड में जाते हैं, आपको जरा दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिए इसकी स्माइल को। ये स्माइल अमेजोन के नीचे आपको दिख रही है ऑरेंज कलर में, यही स्माइल आपको अभी यहाँ दिखेगी इसी गाड़ी के ऊपर। ध्यान से देखिए, देखिए प्राइम लिखा है, ये अमेजोन का व्हीकल है, डिलीवरी व्हीकल है ये, ठीक है। तो ये आपका कोरियर सर्विस हो गई, यहाँ पर आप डिलीवरी करने जा रहे हैं ये, ठीक है। तो डिलीवरी जो है वो वेजिटेबल्स की भी होती है, आप देख सकते हैं इस स्लाइड के थ्रू, कि यहाँ पर एक स्कूटर में डिलीवरी बॉय जा रहा है अपने पीछे वेजिटेबल्स को लेके डिलीवर करने के लिए। लेकिन वहीं हमने बात की थी इसी टॉपिक पे, इस पॉइंट पे, कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, परिवहन के माध्यम क्या है जिसके द्वारा हम सामान को कस्टमर तक पहुँचाएंगे। तो सब एक माध्यम है हमारा क्या, एरोप्लेन। एरोप्लेन के थ्रू हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक शहर से दूसरे शहर जल्द से जल्द सामान को पहुँचा सकते हैं। दूसरा हमारा ट्रक के थ्रू भी, आपने अमेजोन का ट्रक भी देखा था कि रोड के माध्यम से हम लोग सामान को पहुंचाएंगे कस्टमर के पास। और कौन से माध्यम है, बिल्कुल ठीक, रेलवे भी है एक, ट्रेन के माध्यम से हम सामान को पहुंचाएंगे। और साथ में पानी तो हम भूल ही गए, समुद्र में बड़ी बड़ी शिप्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कार्गो शिप है जहाँ पर कार्गो रखा जा रहा है, सामान रखा जा रहा है जिसके द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह पर हम ट्रांसपोर्ट करेंगे सामान को कस्टमर तक पहुंचाने के, जो उसने ऑर्डर दिया है। अब तीसरा पॉइंट इसका क्या बोलता है, तो ऑर्डर कम्स विद द कंसाइनमेंट नोट व्हेन इट इज डिलीवर्ड टू कस्टमर। अब क्या है कि जो आपने जब ऑर्डर दिया तो कंसाइनमेंट नोट के साथ क्या है कि आपको उस बॉक्स के साथ कंसाइनमेंट नोट भी आता है, ठीक है। अब वो कंसाइनमेंट नोट होता क्या है उसको हम देखेंगे। कंसाइनमेंट नोट आपके सामने एक ये ऐसे डमी कंसाइनमेंट नोट है, सैंपल है ये। इसमें आप ध्यान दीजिए कि इसमें लिखा है टू एड्रेस अटेंशन, ठीक है, और साथ में उसके सामने लिखा हुआ है योर ऑर्डर नंबर। तो टू में हम लिखेंगे जिसको हमने सेंड करना है, और टेंशन में लिख देंगे हम जैसे कि उसका कोई वहाँ पर कोई लैंडमार्क है जिसके थ्रू एकदम से हम वहाँ पर पहुँचा सकते हैं सामान को, ठीक है। और योर ऑर्डर नंबर वहाँ पर वो नंबर डाल देंगे, डेट सेंड, जिस दिन डेट को सेंड किया वेयर हाउस से आपका वहाँ पर डेट डल जाएगी वहाँ पर। इनवॉइस नंबर जो आप जब सामान आपने खरीदा है उस टाइम पे एक इनवॉइस नंबर क्रिएट होता है, तो वो इनवॉइस नंबर वहाँ पर मेंशन हो जाएंगे, और कॉन्टैक्ट पर्सन एंड टेलीफोन नंबर जो उनका जो कोरियर सर्विस है उसके पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर और फोन नंबर वहाँ पर मेंशन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें क्वांटिटी डिलीवर्ड, वहाँ पर हम क्वांटिटी मेंशन कर देंगे, और उस क्वांटिटी के अंदर डिस्क्रिप्शन किसकी क्वांटिटी, टू नंबर, टू नंबर में कितने पेन क्या है, क्या पैलेट्स, कितने बॉक्सेस क्या आ रहे हैं वो हम लिख देंगे वहाँ पर, ठीक है। अब इसके नीचे आप पढ़ रहे हैं कि गुड्स रिसीव्ड इन गुड ऑर्डर, तो इसको आप ध्यान रखिए, इसके बाद हम आगे करेंगे। नीचे मेंशन किया है नेम, सिग्नेचर एंड डेट, तो ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं एक असाइनमेंट नोट होता है जो डिलीवरी बॉय अपने साथ लेके आता है, लेकिन हम गुड्स रिसीव्ड इन गुड ऑर्डर को हम, और उसके नीचे जो नेम, सिग्नेचर और डेट है उसको हम आगे पढ़ेंगे, ये इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ठीक है। तो इसको आप सब अपनी कॉपीज में बना लेंगे, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट आता है इसके, हम देखो 1, 2, 3 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि द डिलीवरी बॉय कैरी द कंसाइनमेंट नोट एंड द नोट इज बीन साइंड बाय द कस्टमर, ठीक है। अभी आप ध्यान दीजिए कि मैंने थर्ड पॉइंट क्या बोला था, मैंने थर्ड पॉइंट बोला था तो ऑर्डर कम्स विद अ कंसाइनमेंट नोट व्हेन इट इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर। तो ऑर्डर जो है वो कंसाइनमेंट नोट के साथ आता है, और उस कंसाइनमेंट नोट को कौन लेके आता है, वो लेके आता है आपका डिलीवरी बॉय। ये देखिए डिलीवरी बॉय आ गया मुस्कुराता हुआ, अपने एक हाथ में कंसाइनमेंट नोट है और उसके दूसरे हाथ में क्या है, पार्सल, आपका पार्सल। अब आपको तो जल्दी है फटाफट से पार्सल लेने की, और ये देखिए यहाँ पर मैडम जो है वो कुरियर बॉय से पार्सल रिसीव कर रही हैं। अब वहाँ पर क्या बात की हमने, की फिफ्थ पॉइंट में बात करेंगे, साइन द कंसाइनमेंट नोट ओनली इफ गुड्स इन द डिलीवर्ड कार्टून आर नॉट मिसिंग और ब्रोकन। कंसाइनमेंट नोट पर तभी हस्ताक्षर करें जब डिलीवर किए गए डिब्बों में सामान गायब या टूटा नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसमें एक बात ध्यान दीजिए, गायब या टूटा नहीं हुआ है तभी साइन करना है। अरे मैडम आप तो साइन करने लग पड़े, अरे क्या कर रहे हो, अरे रुको रुको रुको, अभी साइन नहीं करना। क्यों नहीं करना, अगर कार्टन ऐसा निकला फिर,
अगर आपने तो साइन भी कर दिए और डब्बा तो टूटा हुआ निकला, अब तो डर लग रहा है डब्बे के अंदर कुछ टूटा हुआ निकला। आपने तो आईफोन मोबाइल को ऑर्डर किया था और अगर उसके अंदर कहीं पर फोन टूटा हुआ निकला फिर अब आप क्या करोगे? इसीलिए तो बोला है 6 पॉइंट में, इफ द गुड्स आर डैमेज और मिसिंग द कस्टमर शुड रिपोर्ट इन रिटर्न ऑन द कंसाइनमेंट नोट एंड टेक डिलीवरी बॉय सिग्नेचर। यदि माल डैमेज या गायब है तो ग्राहक को कंसाइनमेंट नोट पर लिखित रूप में रिपोर्ट करनी चाहिए और वितरण लड़के के हस्ताक्षर लेने चाहिए, डिलीवरी बॉय के साइन लेने। अब वही बात करते हैं, नीचे यहाँ पर लिखा है ना, ध्यान दीजिए, सबसे नीचे गुड्स रिसीव्ड इन गुड ऑर्डर, यहाँ पर हम लोग नोट डालेंगे कि गुड नॉट रिसीव्ड इन गुड ऑर्डर, वो जो आईफोन था वो डैमेज था। यहाँ पर आप अपना नाम सिग्नेचर कर देंगे, डेट कर देंगे और इसी नोट पर ही आप क्या करेंगे, आप डिलीवरी बॉय के साइन भी करवाएंगे कि जो आपने लिखा है उसकी उपस्थिति में लिखा है, उसकी प्रेजेंस में लिखा है, और साथ में इसको सेंड कर देंगे कंपनी को। अब आप खुश हैं कि अब सामान डैमेज होगा तो भी चिंता की बात नहीं है क्योंकि आपने लिख दिया है, आपको फिर से नया सामान मिल जाएगा। तो थैंक यू बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिलीवरी प्रोसीजर टॉपिक जो है आपको क्लियर हुआ होगा, और आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।